अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ वीडियो, तो यार हम लोग फिर से कुछ दिन अपलोड नहीं हुआ, लास्ट व्लॉग लास्ट भी चैलेंज था, तो आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया होगा। तो अभी यार हम लोगों ने कल सोचा कि यार चमाटे यार वैसे अच्छा नहीं हुआ था मेरे साथ, लेकिन चलो खैर होता रहता है। तो यार आप लोगों ने लैब चैलेंज तो हो ही गया था, हम लोगों ने कल सोचा मीन्स यस्टरडे कि यार अभी कुछ और करते हैं ना, कोई चैलेंज और बनाते हैं, लेकिन इस बार ही स्लैब चैलेंज नहीं होगा उसमें लगती है यार। तो समीर बताओ अब क्या करना है यार? यार हम खाने पीने का बताना चाह रहे हैं कि कराची के जो खाने हैं मशहूर जगहें हैं, हाँ उन पर जाके थोड़ा उनका रिव्यू दिखाना, और उससे मतलब चैलेंज भी हो जाए, कोई छोटा मोटा चैलेंज भी हो जाए। चैलेंज हो गया जब खाने की जगहें दिखा दी, वहाँ के रेट दिखा दिए, जो अच्छी जगहें हैं वो बताएंगे, जो नॉर्मल है वो भी बताएंगे, और जो बुरी है वो भी बताएंगे। हाँ जहाँ पे बुरा एक्सपीरियंस होगा तो हम वो भी बता देंगे आप लोग आज का भी, और आ जाए सारे। हाँ शायद करते हैं कि पहले दिन कहाँ जाना है, अगर वहाँ से शुरुआत करते हैं आज, और ये मतलब खाने की एक रेस सी लगेगी जिसमें मुझे पता है मैं आऊँगा लास्ट या सेकंड लास्ट, बाकी देखते हैं पहले पे कौन आता है, क्योंकि इधर सिर्फ फर्स्ट पोजीशन ही होगी, बाकी पोजीशन अहमियत नहीं रखती। तो जब बाकी लोग आ जाएंगे हमारे तो फिर हम चैलेंज होगा अफजाल का, अबू मेरा और अबू बकर का, तीन बंदों का होगा। मैं तो रमजान साइड में, हाँ बिल्कुल हल्का हल्का खाएंगे जब तक हमारी दो प्लेटें भी ख़त्म हो जाएंगी यार खाएं। हाँ लेकिन फिर हम भी आस्ता आस्ता प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ तो यार फिर तब तक के लिए जुड़े रहिए, फिर करते हैं बात। तो यार हम लोग निकले थे अबू बकर को कोचिंग ले जाने के लिए, सॉरी कोचिंग से ले के आने के लिए। तो ये बाइक का ज़रा क्लच कैप का मसला था, चेक करें आप। हो गया हाँ समीर ऐसे मसले सुलझा लेते हैं। तो हमने कहा चलो जाते हैं अबू बकर को पहले पिक करें, फिर उसके बाद फिर जो अपना हमने सीन सोचा हुआ है वो करते हैं। सही है ना, उठाए हैं इसको पहले। हाँ चलते हैं, चलो भाई हम पहुँच गए हैं अभी यही मेरे ख्याल से, जब भी हम आते हैं तो बाहर ही ख़राब होता है, हो रहा अक्सर लेने आते हैं। हो रहा वो देखो ना ये रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कितना पड़ा है आज, कितना पड़ा है आज? आज क्या बताऊँ यार, मैं तेरे को थोड़ा सा बताता हूँ। अब मैं बताता हूँ। हाँ भाई दो मिनट के अंदर बिफोर यू शुड हैव डन दिस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, गुड। मैंने क्या बोला, तुम भी कुछ डाल दो, डाल दो, लेट्स गो, मार दो। चलो भाई अभी चलते हैं और आगे के दिन बाद में देखते हैं क्या सीन है। तो यार अभी आ गया अफजाल, इसी का इंतजार हो रहा था। और यार हमारे पता नहीं लड़कों का क्या सीन है, ये लोग ना जब कहीं जाना होता है ना तो ये लोग आएंगे ही नहीं भाई, इनको दूरबीन में ढूंढना पड़ता है। और जब क्या कहते हैं नहीं कहीं जाना होता ना, ये लोग शाम 6 बजे आके भाई बैठे हुए होंगे, वासियां ले रहे होंगे सब कुछ। तो अभी हम लोग बस निकले, काम कार छोड़ दे इधर आके बैठ गए। तो भाई जब जाना होता तब आया करोगे, ऐसे पूरा दिन यहाँ क्या कर रहे होते हो? तो भाई वो काम पे नहीं होते ना, अभी खाना वाना खाया आराम से, खाना वाना तो क्यों खाने के क्यों जा रहे हैं? तो फिर क्या भाई आज खाने पे रोल खा लेंगे ना, रोल रोल कौन खा रहा है? क्या खाना? रोल खाने नहीं जा रहे, हम तो चैलेंज करने जा रहे हैं। चैलेंज करो मेरे साथ, करो चैलेंज, बिरयानी चैलेंज करो। मैं तो मजाक कर रहा था, देख तो सही ऐसे बोला गया था जीतना इस नहीं है, ये तो पता लग गया, दिखा दिया मैं इस बार यार। चलो चलते हैं बस, अभी निकलते हैं। हाँ यार जहाँ का है अल रहमान बिरयानी चलते हैं, वहाँ पे दिखाएंगे भी और वहाँ का चैलेंज भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। चलते हैं। तो यार अल रहमान बिरयानी सेंटर आए हैं, ठीक है ये लोग तो चले गए ऊपर, मैं चलता जा रहा हूँ। देखो आगे सीन होता है अल रहमान बिरयानी, यार मैं कहता हूँ कराची की जो बेस्ट बिरयानी होती है ना, बेस्ट उनमें से। तो अभी हम यहाँ पे करते हैं चैलेंज और देखते हैं कौन कितना वैशी होकर खा सकते हैं। चलो भाई बिरयानी के रेट बताएंगे? जी फुल 190 रुपये की है, डबल 230 रुपये, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। बाकी चार कर दें हमारी,
ठीक है। तो भाई रेडी, चैलेंज होने जा रहा है स्टार्ट। ऊंचा बोलो ऊंचा। हाँ सुनो, चैलेंज होने जा रहा है स्टार्ट। हाँ, 3, 2, 1 गो। कुछ हो यार, मैं एक हाथ से वीडियो बना लूँ। एक मिनट यार। हाँ भाई विनर। कॉन्ग्रेट भाई की। मैंने बोला इतने कपड़ा अच्छा पकड़ आलू खाएगा, मैंने ठीक है। ये बात हुई नहीं तो भाई समीर ने कहानी खत्म कर दी। इतना बड़ा आलू मुंह में डाल के ये देखो। एक मिनट में समीर ने तो कर दी कहानी खत्म। यार ये चम्मच भी गिर गई। तो यार आज की हमारी बिरयानी की रेस का विनर हुआ समीर। क्या भाई निकलेगा भाई? रिकॉर्डेड है, उसमें से देखेंगे और फैसला होगा। फैसला बड़ा मुश्किल है, रिकॉर्डिंग है भाई। या तो समीर है, अगर आलू हटा के करो तो समीर है। आलू का साथ था कह नहीं सकते, मैंने खत्म किया कह नहीं सकते। तो भाई एक बार तो चैलेंज तो कंप्लीट हो गया। अगर या तो समीर या वो बकर कमेंट में। हाँ भाई इसका फैसला आप लोग करो, आप लोग बताना कि भाई कौन विनर है। और हाँ मोबाइल से कमेंट, तो फिर आपका भाई होता है हर वीडियो में। मैं तो फिर मैं हूँ। तो समीर का पेट भी नहीं भरा अभी। कौन प्लीज यार, मुझे ये समझ नहीं आती कि ये बंदा इतना पतला है तो यार ये क्या मतलब। और बाकी यार स्टिंग के साथ लगेगा एनर्जी का झटका। ठीक है करते हैं फिर बातचीत। तो यार पहला वाला जो चैलेंज हो गया था कंप्लीट, उसमें भाई आप लोग ही बताओ कि विनर कौन है। हम भी अपना फैसला देंगे लेकिन आप लोगों ने बताना है कि विनर कौन है। और समीर का भी पेट नहीं भरा ये बंदा है। और फिर भाई ये जाता कहाँ है? तुमसे मुझे बहुत उम्मीद थी, मुझे लगा था तुम कुछ कर जाओगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तुमने कहा था नहीं खाया। अबू बकर क्या पता लोगों की नजरों में आप विनर हो, और क्या पता आप चार पाँच कम घर से आ जाएंगे। समीर जीत गया, समीर जीत गया, वो अलग बात है। ठीक है ठीक है भाई। फिर देखो मुंह बन गया ना जीत का नाम। सही है, लोग बताएंगे भाई, सही है लोग बताएंगे। हमारी ऑडियंस हमारे लिए मायने रखती है भाई। जो हक का साथ देगा मत पूछना। चलो भाई लालच दे दे।
इधर तो भाई पैसों से काम होता है, तो फिर देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता। तो यार अब तो हम लोग आ गए अपनी जगह पे, सही है। तो बिरयानी और वहाँ पे सारे हालात आपने देखे होंगे। तो ओवरऑल ये था कि बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा था, जैसा कि हमेशा होता है। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो भाई ये अल रहमान बिरयानी सेंटर है, और ये खारादर में मेन टावर वाले रोड पे। रेट्स जो भी थे हमने आपको बता दिए, वो भी बहुत मुनासिब है, मतलब रेंज में होते हैं, हर कोई खा सकता है यार। बाकी ये लोग बताएंगे कि बिरयानी कैसी थी, मतलब ये लोग रिव्यू दे दें, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को एंड। बकर हाँ भाई, क्या दोगे बिरयानी को? बिरयानी को जैसे हमेशा की तरह अच्छी थी, और उसके अलावा क्या देंगे, चैलेंज में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, जैसा कि वीडियो में ये लोग देखेंगे अभी, ठीक है। और अभी टेस्ट वेस्ट भी वगैरह अच्छा था उनका, बाकी देखो समीर भाई से टेस्ट भी बहुत अच्छा था बिरयानी का, बाकी काफ़ी जगहों की खाई है, उनसे काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी बिरयानी। आगे कोई इससे अच्छी भी अगर दिखी, कोई सुना या खाई, तो वो भी बताएंगे आपको, लेकिन अभी तक के ये बहुत अच्छी बिरयानी है, जाना चाहिए सारे टेस्ट। और हम तो हार भी गए। यार बस बिरयानी जैसी पहले भी खाई भी अक्सर हम लोगों ने, जैसी बिरयानी होती है वैसी थी, अच्छी है बिरयानी। बाकी मेरे को जहाँ तक के अल्नास की बिरयानी अच्छी लगती है ना, उसके मुकाबले में दिल की बात जीती है, अल्नास को नहीं पहुँच सकती। हाँ बाकी ये फूड सेंटर और ये सब तो घास चढ़ने गई हुई है, स्टूडेंट भी फेल है, स्टूडेंट को तो हटा ही दे बीच में से, स्टूडेंट की बिरयानी कुछ भी नहीं है, बिरयानी वही है, स्टूडेंट खा सबको, बिरयानी वही है जिसमें जायका है, जो देसी बिरयानी, बिल्कुल देसी खत्म। और आखिर में बिरयानी से ज़्यादा जो चैलेंज था ना, चैलेंज का मज़ा था, और जो वहाँ तक जाने में हंसी मजाक होता है, और ये आगे भी होता रहेगा यार। अभी चैलेंज तो हम दोनों का हो गया, ठीक है समीर, देखो अभी चैलेंज पे हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, एक बोल ले ये जीते, एक बोल ले मैं जीता हूँ, ठीक है। अभी मतलब कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट में बताना कि आपका भाई जीता है या समीर। यार देखो वो कमेंट के ऊपर होंगे, सही हाँ। जिसने ज़्यादा, जिसके ज़्यादा 20 कमेंट है, जिसके पहले 10 कमेंट आ गए हाँ। फेयर होगा, लेकिन ये फेयर के से नहीं, बाहर नहीं कमेंट होंगे हाँ। और ना ही अपने बंदों को, ठीक है, अपने बच्चों को तो पता है कौन जीता, लेकिन दस आ गया, जिसके 10 आ गए पहले वो जीत गया। तो भाई कमेंट सेक्शन पे इस फैसले को छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लव यू ऑल गाइस।